भाजपच्या नुकत्याच संपलेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवरती निशाणा साधलाय. काँग्रेस जाणून बुजून देशाच्या विकासाला अडथळा आणत असल्याचंही मोदींनी यावेळी म्हटलं. गेल्या 3 आठवड्यांपासून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये उद्भवलेला वाद मिटवण्यासाठी मुलायमसिंग यादवांनी काल पुढाकार घेतला. मुलायमसिंगांच्या या पुढाकाराचं पंतप्रधानांनी कौतुक केलं आहे. माननीय प्रधानमंत्रीजी का ऐसा मानना है कि सत्र समाप्ति से जो संवाद मिलता है कि कुछ लोग इस देश के ऐसे हैं जो सदन को माध्यम बना के देश की गति को रोकना चाहते हैं, उनका मूल लक्ष्य है कि देश के आर्थिक विकास के गति को रोकें. लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया और विशेष तौर से मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त किया और उनके साथ कई राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने ये महसूस किया है कि देश के गति को रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ा प्रयास है, और ये सभी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि देश की गति बढ़े, देश का विकास हो, उनके प्रति अभिनंदन व्यक्त किया है. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.